22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला सहराए थर, जहां उजालों का सफर हेडपेस से तेज तर थरकोल फील्ड। हुकूमत सिंध का एक और बेनजीर मंसूबा रोशन पाकिस्तान की जमानत। सी पैक में शामिल ये मंसूबा 9,100 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ये 175 बिलियन टन लेगनाइट कोयले के जखायर का हामिल है। थरकोल के ब्लॉक 2 से 660 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो चुकी है, जो कुछ माह में दुगनी हो जाएगी। ब्लॉक 1 से भी अक्टूबर 2022 तक बिजली की तरसील शुरू हो जाएगी, जो कि आइंदा 2 साल में 2,000 मेगावाट हो जाएगी। यूं पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हो जाएगा और बहुत जल्द यहां से दूसरे मुमालिक को बिजली फरोख्त भी की जा सकेगी। हुकूमत सिंध की जानिब से यहां सेहत, रोजगार और रिहाइश का आला इंतजाम किया गया है। हर भर में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। एंग्रो, TCF, NED और इंडस जैसे इदारों की मुश्तरका कोशिशों से यहाँ मुफ्त तालीम आम हो चुकी है। थर की खवातीन फनी तरबियत लेकर रोजगार हासिल कर रही हैं। फिश फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट और होटल्स और दीगर कारोबारी सनतें फरोग पा रही हैं। ज़ेर ज़मीन खारे पानी के बायोसलाइन तजुर्बात के जरिए शजरकारी, फसलों की काश्त और सरसब्ज बागात से सहराए थर गुलशन में तब्दील हो रहा है। रीसेटलमेंट पॉलिसी के तहत मुकामी आबादी को पक्के और जदीद मकानात में मुंतकिल किया गया है, जबकि तमाम घरानों को सालाना 1,00,000 रुपए की ग्रांट भी दी जा रही है। खेल के मैदान, मार्केट, मसाजिद, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर, पक्की सड़कों और ड्रेनेज के निजाम की हामिल की करिश्माती तरक्की सिंध हुकूमत की अनथक कोशिशों और आवाम दोस्त पॉलिसियों का जीता जागता सबूत है। तरक्की, खुशहाली और खिदमत में पेश हुकूमत सिंध।